ये कराची शहर है जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन कुछ बुरे अनासिर जो मुख्तलिफ ग्रुपों में काम कर रहे हैं और हमारे मुल्क और शहर को तारीखियों में डुबोना चाहते हैं। अगर याद रहे, जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। कराची शहर को तारीखियों से बचाने के लिए अल्लाह ने एक मसीहा भेजा है जिसे साई बाबा कहते हैं। हेलो सूर्या जी, कौन है आप? तुमसे तो मैं कब से मिलना चाह रही थी, सोचा के मिलाऊं। आप जानती हो मैं कौन हूं? हाय, आपको भी जानने की जरूरत है क्या? बागी कहते हैं हमें। इसको चलाना आता है क्या? ये घोड़ा तुम्हारे काम का नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है। दौड़ा के दिखाऊं क्या? चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम जैसे लोग भी रखने लगे हैं ये टीटियां। हिफाजत के लिए रखना पड़ता है सर, इनकी हिफाजत के लिए। मैं इनका भाई हूँ, समझे आप? इनकी हिफाजत। ये आपकी बहन है? पैसे बोलो। पैसे नहीं सर, चेक की बात करें। चेक की? कितने चाहिए? मैडम खुद बता देंगी, आप पूछे उनसे। कितने दे सकते हैं आप? सोच नहीं सकती इतना दे सकते हैं हम। सिर्फ आप अपनी बात तो करें। हमारा तो कोई मोल नहीं, तुम पैसे की बात करो। ए बच्ची, पक्का मैं कर दूंगा इसे। जो चाहे कहें, बस चेक पे साइन जरूर करें। चेक भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर आपको हमारी कंपनी में शामिल होने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अब भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? कितनी कुर्बानियां चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? मैं अपने सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। फिर आप 10 मिनट के लिए बाहर जाइए। हाँ, आप समझे मैं हूं ही नहीं यहाँ पर बस। आप समझे ये है ही नहीं। लगता है आप डर गए मेरे भाई से। तुम्हारे भाई जैसे बच्चे मैंने अपने बागियों को दिए हुए हैं। सेठ भाई, पुरानी कहावत है ना कि इसा दे इसा ले। तो दूंगा तुम्हें जब जब मुझे कुछ नजर आएगा। नजर तो मुझे वो नहीं आ रहे जो पहले यहाँ पर थे। बागी मैं हूँ और मैं ही रहूंगा, समझ गए? और ऐसी कोई बात ना करना जिससे मेरा मीटर घूम जाए और तुम्हारा नाम और निशान तक ना मिले। और समंदर में मछलियों को बहुत मजा आएगा खाने में तुम्हें। अच्छा, मुझे ऐसी धमकियां वैसे बैठक हम सुन चुके पहले बहुत। अच्छा, नाराज मत हो, मैं जाता हूँ, लेकिन जब मैं आऊं तो चेक की सूरत दिखा के मेरा मूड जो है ना जरा अच्छा कर देना। मेरा ख्याल में मूड तो तब बनता है जब पैसों की सूरत आ गए। भाई ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है सरदार साहब? बात दरअसल ये है कि चुप बैठ गंजे, ये कोई चकला है जो अजीब अजीब बातें कर रहा है। तो नहीं सरदार साहब, ये इसका भाई है। मेरे सर को मत घुमा, वो देख पीछे जुल्फकार। नहीं सरदार, जुल्फकार की तलवार। अब आया असली मालिक। चुप बैठ, तू भी ज्यादा चमचागिरी मत कर, जानता हूं तुझे अच्छी तरह से। ऐसा ना हो तेरे सर में गोली उतार। आपने बुलाया था सही हमें, हम आपके गैंग में शामिल होने के लिए आए। ये बच्ची, इसकी बहन है सरदार साहब और ये बागी बनने आई है। ये बच्ची मुझे बहुत अजीज है। एक बात याद रखना, इस बच्ची की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। कोई मुझे नहीं जानता, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा।
मेरी बात को याद रखना। तुम मेरी बात को समझता नहीं है, तुम मेरी बात को नहीं समझते, नहीं समझते मेरी बात को। मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक को जान से मार दूंगा, काट दूंगा सबको, क्योंकि मैं इस मुल्क की भलाई चाहता हूं और तुम लोग मेरी बात को समझते नहीं। ऐसे मारूंगा मैं तुमको। सरदार साहब, हमारे पास ये भी आपकी है। तू मुझे पिस्तौल दिखा रहा है, तेरी पिस्तौल की गोलियां खाली कर दूंगा, लेकिन मेरी पिस्तौल की गोली ऐसी लगेगी तुझे कि तेरा सर तोड़ जाएगा। क्यों नहीं समझता? ये पिस्तौल फेंकता हूं मैं उठा उठा के। सरदार साहब, तुम अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत लो, नाम मत लो। मेरा नाम शरीफ लोग लेते हैं, साईं बाबा है मेरा नाम, साईं बाबा। एक एक बंदा जो शरीफ होता है वो मुझे पुकार सकता है, कोई नहीं। तुम बिल्कुल नहीं, मेरी बात को नहीं समझते। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो पीछे जुल्फकार को देखो, वो जुल्फकार मेरी तलवार है। साहब आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, हमको गलत इतला मिली है, हम कोई सैडी में थोड़ी हैं। मैं छाबड़ी लगाता हूँ, भुट्टे बेचता हूँ। सर कहाँ पे बेचते हैं? बस कारोबार शुरू करने दे, तेरे घर के पास ही लगाऊंगा। आपको कोई गलत इतला मिली है सर, ये मेरे खिलाफ साजिश है। तू अमेरिका है, तेरे खिलाफ साजिश हो रही है? हम सैडी में ऐसे नहीं है, हम सैडी में बाकायदा पढ़ के आए हैं। हमें पता है कि कराची में क्या क्या और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कराची की पूरी खबर रखते हैं। सर इब्राहिम वो सामने वाली गैंग है ना, ये सब उसका काम है सर। इब्राहिम तुझ पे इल्जाम लगा है, तू इब्राहिम पे इल्जाम लगा। हम लोग ऐसे घूमते फिर रहे हैं। लियारी कराची का दिल है, यहाँ फुटबॉलर पैदा होते हैं, यहाँ खिलाड़ी पैदा होते हैं। बात सुनो। जी सर। इंसान समझते हो? जी हाँ बिल्कुल। उसके बच्चे बन जाओ, बिल्कुल उसके बच्चे बन जाओ। कराची के हालात बड़ी मुश्किलों से काबू में आए हैं, उसको मजीद खराब होने ना दो। कराची बड़ी मुश्किल से अमन कायम हुआ, उसको अमन रहने दो, उसको मजीद खराब ना करो। अब आपके घबराने का टाइम हो गया, सुबह दोपहर शाम अपना मस्ताने। सलाम अलैकुम जी। मेरे साथ ही आया है, मुझे क्यों सलाम कर रहे तू? सर वो किसी को समझ में ना आए ना कि साथ आए हैं या अलग अलग आए हैं। अपना बात सुनो। ये कौन है? मस्ताना। अच्छा मस्ताना। हाँ, तुम्हारे घर का देख वेग उठा लेगा ये और काम वाम कर लेगा। तुम क्या समझ रहे हो, एक दो दफा मर भी चुका है, इतना पुराना है हमारे डिपार्टमेंट में ये, और सबसे ज्यादा कारामद सीआईडी का बंदा है ये। मस्ताना साहब ने मेरा नाम रखा है इसलिए कि किसी को शक ना हो। इस मस्ती में मस्ताना बनकर तुम्हारे जैसे लोगों का पीछा करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। नहीं सर, तो कोई गलत फहमी हुई है, इसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक सर और एक शिकरा जब तक अपना शिकार उसे पकड़ न ले तब तक वो चैन से नहीं बैठते, समझ गए तुम? तुम मुजरिम हो समझे, तो सर तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको लेने के बाद तय हो जाएगी? लेने के है? क्या दोगे तुम मुझे है? क्या दोगे? इसको क्या देगा, बहुत बड़ा आदमी है, बैंक में सोता ही है। हाँ चौकीदार भी है वहाँ, किसी को पता नहीं होता है ये सीआईडी में चौकीदार है। बहरहाल मैं इसका रिश्ता लगाने नहीं आया जो इतनी बातें कर रहा हूँ मैं। जी सर, ये मेरा मेन बंदा है, तुम इसके जेर निगरानी रहोगे। ठीक है सर, समझ गया मैं, लेकिन आप इब्राहिम वाले गैंग को भी आप समझाएं। वो मैं समझा दूंगा। अब मेरे लिए क्या ऑर्डर है, मेरे लिए या फिर समझाएं सर इसे। ये काटता है, ये पूछ रहा है कि काटने का टाइम हो गया मेरा। ये काटता है, ये हाथ से काम नहीं करता, मुंह से काम करता है सारे, बात भी करता है, रोटी भी खाता है, इससे काटता भी है। ये अच्छी नस्ल का है, तुम तो गली वाले हो, ये अच्छा आदमी है,
ये ध्यान रखना तुम। ठीक है सर, आइंदा जो भी बात होगी इनको रिपोर्ट करना। बस इससे लेन देन की बात नहीं करना है, ये सिर्फ देन देन करता है, लेन देन की बात ना करना। और अगर लेन देन की बात करनी हो तो सर के सामने थोड़ी, ना सर के सामने ना अकेले में, कि हम लोग जो है ना बिकने वाले नहीं। ठीक है सर, ना बिकने वाले ना झुकने वाले, कोई वाली मलाई वाली। ठीक है सर, मैं चलता हूँ सर। तुझे अगर मलाई दे दिया ना इसने तो शाम तक तू मलाई खाता रहेगा। सर ये पता है आपसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है, या आपको कोई कॉमेडियन समझ रहा है? कॉमेडियन आपको हर रूप में होते हैं ना। आपको देख के क्यों मेरे रास्ते को दिल चाह रहा है? आपको मुझे देख के तुम्हारा रोने को भी दिल चाहेगा। चल भाई अब तू निकल, अब तू इसके जेरे निगरानी है। अब तू यहाँ से बाहर भी निकलेगा तो समझ लीजिए तेरे पीछे है। ये वो बला है जो मिट्टी नहीं खाता है, समझ गया ना? अब ये साई की तरह तेरे पीछे पीछे रहेगा। ठीक है, चल शाबाश निकल। ठीक है सर, इब्राहिम वाला गैंग क्यों सर? ओ मैं एक और बंदे को लगाया है, रशीद डिबरी वाले को। रशीद डिबरी? हर आदमी एक दूसरे को मारने के चक्कर में लगा हुआ है। उसको मार दूं तो मैं आ जाऊं, उसको मारूं तो वो आ जाए, एक दूसरे के पीछे इकतदार के पीछे लगे हुए। अब ये है थोड़ी है कि हर दूसरे को दुश्मनी ले लो। चलो अब निकलो। ब्रो 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 निकलो रे, निकलो ब्रो ब्रो। हमें हर जमाने आती है, हमें चलो। बाबू ने शीरे शमा ब्रो बोल ले, जट ट्रक पकड़ के निकल ले। अच्छा शुक्रिया। अबे कहां से ये गैंगस्टर लगता है यार? गैंगस्टर ये कोई सस्ते इलाके का काउंसलर लग रहा है मुझे यार। है गैंगस्टर लेकिन भेद बदल के रहते हैं ताकि। नहीं अभी इसकी बैटरी डाउन हुई हुई है, मुझे लगता है इसे हमें देखकर बीपी डाउन हो गया इसका। ये टेबल कुछ खाली खाली नहीं लग रही? हाँ तो इस पे बजरी डलवा दूँ, खाएगा? मैंने तो जैन बनाया बता, यहाँ पे अंगूर रखे होंगे, यहाँ पे फ्रूट रखा होगा। इत्तफाक से मैं अपना गन लाना भूल गया, तीन चार गोलियाँ तो मैं तुझे खिला सकता था। अरे नहीं नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था, पेट मेरा भरा हुआ है। भरा हुआ है ना?